देखिए फ्रेंड, एक और ये हमारा रियल का क्वेश्चन है, सीरीज का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? कहता है फाइंड द सम ऑफ द फ्लोइंग सीरीज, इस सीरीज का सम बताना है। ध्यान से देख देखो क्या फॉर्म है ये, 1/2 3, फिर 2^2 3। यहां ध्यान से देखो, दो सीरीज का सम है ये। जैसे इसको देखो, यहां 2^1 3^1, फिर ये देखिए 2^2 3^2, यहां देखिए 2^α 3^α। और यहां जो ये सेकंड टर्म, सेकंड फोर्थ, इसमें क्या चला हुआ है, यहां 2 की जो पावर है एक एक्स्ट्रा है 3 की पावर से। 2^2 है तो 3^1, 2^3 है तो 3^2, 2^a+1 है तो 3^a। अगर इसको मैं अच्छे से लिखूं समीशन की टर्म में, तो ये हमारे पास बनता है 1/2 3^n, n गोइंग फ्रॉम 1 to ∞ चलता जाएगा। प्लस ये अगर हम करेंगे, ये क्या है 2^n+1 और ये 3^n और n गोइंग फ्रॉम 1 to ∞ चलता जाएगा। कुल मिला के मुझे इसको कैलकुलेट करना, मतलब इसको कैलकुलेट करना है। अगर इसको मैं ध्यान से देखूं, ये क्या हो जाएगी n गोइंग फ्रॉम 1 to ∞, ये हो जाएगा इसकी पावर n। इसको n गोइंग फ्रॉम 1 to ∞, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 2^2 एक अलग से और 6^n लिख दिया। ये 2 कॉमन है, मैंने बाहर ले लिया, ये है। अब ये जो समीशन चला हुआ है हमारे पास, मैंने पूरे में से कॉमन ले लिया क्योंकि समीशन इनके ऊपर है, n गोइंग फ्रॉम 1 to ∞, 1/6^n, और यहां क्या बचेगा 1, और ये क्या बचेगा +1/2, ये हमारे पास हो जाएगा। और इसको मैं कैलकुलेट कर लेता हूं, ये क्या है 1/6, 1/6 का स्क्वायर, 1/6 की क्यूब, 1/6 की पावर 4, ये क्या है एक इनफाइनाइट जीपी। और इनफाइनाइट जीपी के सम का फॉर्मूला हम जानते हैं क्या होता है, a/(1-r), जहां r क्या होता है, r का मोड x, r 1 से छोटा, यस 0 और 1 के बीच में है ये। तो क्या आएगा 1/6, 1-1/6, तो 1/6 और ये हो जाएगा 5/6, 6 से 6 कैंसिल, तो 1/5। तो कितना आंसर आ जाएगा इसका 1/5। तो क्या आंसर आ गया ये हमारे पास 1/5 × 3/2, यानी कि 3/10, यानी कि ये जो सम आएगा हमारे पास दैट इज 3/10, इनका जोड़ कितना जाएगा 3/10 आएगा। और ये सिंगल चॉइस के अंदर पूछा गया था। आई होप ये इजी क्वेश्चन आपने किया होगा। थैंक यू फ्रेंड्स।